बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रस्तुत करी जा रही है रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक कार्यक्रम श्री राम कथा। रेडियो रिश्ते के शिवम सिद्धांताल हमारे एमडी महोदय जी आपको स्वागत करते हुए, हमारे ऑपरेशंस मैनेजर सेन शर्मा जी आपको भी स्वागत करते हैं, और साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशंस साइड में माधवी पिल्ले जी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे प्रकाशपति सिंह जी हैं। राम जी आपको भी स्वागत कर लेते हैं, और साथ में हमारे आरजेस निमरा पठान जी, साथ में हमारे जयंती प्रियाची जी और प्यारी सी बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम को प्रस्तुत करती हैं खान, आपको भी स्वागत करते हैं। खास करके आज हम इस्लाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए आज बड़ी ही सुंदर दिवस है, बड़ी पाक दिवस है। आपका ईद आप सबको मुबारक हो। रेडियो रिश्ते की इस प्लेटफॉर्म से मैं पंडित राम कुमार सेवक अपने साथी तबला पर नमन स्वामी और मंजीरा पर हमारे साथ दे रहे हैं सुनेश चटी। स्टूडियोज में आज हमारे पदार्पण किए हैं हमारे अपना हमेशा की तरह हमको अपना दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं भैया बड़े बड़ाता श्री उत्तम चंद जी, और साथ में भाभी श्री सरोज जी हैं। आज हमारे एक और मेहमान आए हुए हैं जो अति प्रिय हैं हमारे, मास्टर रमेश जी और भाभी श्री सचिव जी आपको भी स्वागत करते हैं। और अंजना जी हमारे बीच में आए, पुनः एक बार आ गई हैं, आपको भी स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। विशाल बेटा आपको भी स्वागत कर लेते हैं। चले हम विलम्ब न करते हुए आज के कार्यक्रम को हम शुरू करें। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को बार बार प्रणाम करता हूँ, और अपने स्वर्गीय पिता श्री के चरणों को मैं वंदना करता हूँ। गुरुदेव भगवान हमारे तुलसीबारी राम घाट अयोध्या जी में स्थित हमारा विश्व शांति आश्रम में से हम सबका आशीर्वाद तो देते हैं हमेशा, लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर निकले हुए हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर बैठे अगर हमारी कार्यक्रम में शामिल हैं गुरु जी, तो आपको बार बार साष्टांग प्रणाम है मेरा। भागवत कृपा सेवा आश्रम पर हमारे श्री अति प्रिय अति आदरणीय मेरे मुक्तमणि शास्त्री जी, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन है। इस प्रोग्राम में बाल संत आदर्श जी और समस्त जितने विद्यार्थी लोग हैं आप सबको स्वागत कर लेते हैं, और हमारे इस प्रोग्राम को हमारे बीच में आज से अगले कुछ महीनों तक नायडू होल्डिंग्स लिमिटेड एयरपोर्ट ऑक्स ओकलैंड न्यूजीलैंड से कमलेश नायडू जी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHL लिमिटेड, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कार्यक्रम को कुछ महीने तक आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपकी कंटेनर्स, आपके कैरिज, आपके बहुत सारे ट्रक्स फिजी और न्यूजीलैंड में सर्विस प्रदान कर रहे हैं, और बाकी के ऐड आपको हम लोग जरूर हमारे रिश्ते पेज पर, हमारे पेज पर आएंगे। धन्यवाद भैया कमलेश नायडू जी, साथ में हम मित्रेश भैया को भी धन्यवाद करते हुए चलते हैं। आइए हम चलेंगे, सतीश भैया को भी प्रणाम कर लेंगे। सतीश भैया भक्ति पाई संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन और सभी मॉडरेटर्स को अपने साथ में लेते हुए चले हम भाव ही भाव से आज की कथा को श्रवण करेंगे, सुनेंगे। उससे पहले भगवान के पावन चरण को हम वंदना करें सभी को मिल करके। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, गणपति भगवान कृपा सदैव बनाए रखें, हम सबको विघ्न बाधा से दूर करें। परमात्मन हे गणपति जी आपको चरणों को भी बार बार हमारा प्रणाम है।
आइए हम सब अपने हाथों को जोड़ लें, जहां भी बैठे हैं आप, जिस देश में बैठे हैं। ऑनलाइन व्यूअर्स, आप सबको हम शामिल करते हैं हमारी इस कार्यक्रम में। आप सबका पिछले सप्ताह बहुत ज्यादा मात्रा में आपका सानिध्य रहा है, इसलिए पुनः एक बार इस मंच के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मेरा विशेष विशेष धन्यवाद है। आइए भाव से सब चले हमारे साथ में बोले। ओम स्वस्थ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु भ्यो नमः। लोकाविरामं रणरङ्गधीरम्।
जो इस पावन कथा को मैया पार्वती को सुना रहे हैं, कैलाश पर्वत पर बैठे उनके श्री चरणों को बार बार प्रणाम है। पिछले बार हमने कथा वहां पर छोड़ा था, मोहना देवी के विशेष अनुग्रह है अहिरावण पर। कामदा देवी की उपासना करके कई मंत्रों को सिद्धि कर ली। आज जगदपति जगदाधार तात्पर ब्रह्म और स्वयं श्री शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को रणभूमि लंका के रणभूमि से आदर्श कर दिया। कितना मनोबल था, कितना तपोबल। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी का वर्णन है। रमेश भैया, आज की कथा आपको मैं समर्पित कर रहा हूं, भविष्य आपको भी। और ऊपर आकाश मार्ग में जम गया वो आकाश को रोशनी से भर दिया। उससे पहले बिल्कुल अंधकार, मायावी अहिरावण 20 सर्पों वाला अति बलशाली और रोशनी देख करके लंका में बैठा रावण प्रसन्न भाव से अंदर से मुस्कुराए। मन हर्ष कर अति भारी अही रावण असुरा दास जी इसका व्याख्या करते हुए कहने लगे कि जब वानर सेना जागे Oh,
शोभायमान होता है जब तारे आसपास में टिमटिमाते हैं। लेकिन आज राम जी लक्ष्मण के बिना यह ऐसे ही दिख रहे हैं, जैसे आकाश में चंद्रमा नहीं हो, जैसे चंद्रमा बिन तारे टिमटिमा रहे हैं। सूर्य भगवान उदय ना हो तो दिन का शोभा तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए दिन का शोभा आकाश मार्ग में सूर्य देवता है। इसलिए रवि दिवस जीव बिनु देह, शरीर से प्राण निकल जाए और देह की क्या कीमत ना भैया, समझो कितना सुंदर उपमा। जी हा बिनु देह, मां सीता और राम जी का प्रसंग बन जाने के समय में कोई उपमा यहां भी दिया है। जी हा बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे है नाथ पुरुष बिनु नारी। एक नारी और पुरुष की शोभा इसी तरह होता है, जैसे जीव निकल जाए शरीर से तो फिर वो शरीर का कोई महत्व नहीं, ऐसे नदी में पानी सूख जाए तो फिर वो नदी का कोई महत्व नहीं, ऐसे राम जी और लक्ष्मण जी जीवन से निकल गए, आज इनका कोई महत्व नहीं। विशाल लाइक द डे विदाउट द सन, लाइक द स्काई विदाउट द मून, एंड लाइक दिस This body here without the soul.
that's the example that has been given. कितना सुंदर रूप है ना, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, थैंक यू. हमारे कई विशाल लोग कार्यक्रम को सुनते हैं, टिप्पणियां भी करते हैं, मैसेंजर भी करते हैं, फेसबुक पर कमेंट्स करते हैं. तो आप सबको लिए जब जब भी प्रोग्राम हम और मीडिया लेवल पे करते हैं तो हम बच्चों को शामिल करना चाहते हैं अपने कार्यक्रम में. बच्चे हमारे कुछ इसमें से ले, विशाल रामनवमी से आ रहे हैं और एक को प्रोग्राम मिस नहीं किया, आ रहे हैं यहाँ क्योंकि बाजू में है ना. तो कुछ समझ में आने लगा हुआ ना बेटा, तो इसलिए हमारे विशाल तो हमारे सामने स्टूडियोज में आए हैं, इसलिए नमूना बना रहा हूँ. आप कई विशाल लोग वहां हैं, बाहर स्क्रीन के पीछे हो, आप भी हमारे कार्यक्रम को जब देख रहे हैं, आपको लगे कि आपको कुछ जानने की आवश्यकता है तो आप मेरे फेसबुक पर कमेंट जरूर करिएगा, रिश्ते फेसबुक पर जरूर कमेंट करिएगा. हम लोग आपके कोई भी प्रसंग है हल करने के प्रयास करेंगे ताकि आप धर्म संस्कृति सभ्यता भाषा को आगे ले जाए. कल हम होंगे या ना होंगे पता नहीं, लेकिन भविष्य में आप तो है ना. आप लोग जो हम आज कर रहे हैं वो कल आपका दायित्व होगा. The children of today are the future of tomorrow. बगल में मास्टर जी बैठे हैं ना, इसलिए थोड़ा इंग्लिश भी बोलते हैं. हाँ मास्टर जी, क्या बात? बोल सियावर रामचंद्र भगवान की. एक ही एक लगे तब बुझन, कहाँ है कहाँ? कभी कभी मन में वो हम बड़े घबरा जाते हैं, कुछ हो गया, हम किसी को ढूंढ गए, कहीं मेला में गए, कोई हमसे बिछड़ गया, तो इतना अकुला आ जाते, उनको ना देखें कितना मन बड़ा हमारा दुखी हो जाता है. कहते हैं यहाँ एक से एक पूछने लगे, क्या पूछ रहे हैं? कहाँ गए त्रैलोक्य विभूषण? शोधयहु सब मिली कटक तीन नहीं पाए दो भी. भय व्याकुल सब भालु कपि जिमी जल चर गत कितना अनमोल उपमा है राम जी ना जीवन में तो देखो ना, प्रभु ना जीवन में है तो हमारी और आपकी व्याकुलता तो देखो. ये हमारे जो बीच में रहते भालू कपि जो प्रभु के लिए अपने जान की बाजी लगा चुके हैं, वो आज कितना व्याकुल है प्रभु के बिना. दो पंक्तियां हैं भजन का, मैं आपके बीच में लाना चाहता हूं कि प्रभु बिना, राम बिना, ईश्वर बिना जीव की मायने क्या होती है, जीव की वैल्यू क्या होती है. What is a life without the bhajan of Shri Ram? ठीक है, इशारा. सुमिरन कर दे मेरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना. मनुष्य का जीवन कैसा है? पहला उपमा दिया है
पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना जैसे पुत्र पिता बिरहीना जैसे पुत्र पिता बिरहीना तैसे पुरुष हरि नाम बिना सुमिरन कर तेरी बीती उमर है दूसरा उपमा दिया मैं जोहेन को क्यों आपके बीच में लाया हूं क्योंकि देखो जगह देखे ना कि नदी बिना नारी नदी बिना बारी बिना 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 पानी का और फिर यहां लिखा तो जितने जीव जंतु जो जल में रहते हैं उनको बाहर निकाल दो कितना तरल मछली को बाहर निकाल दो ना जल से बाहर कितना तड़पती है ऐसे वो जीव होता है बिना नीर का जलधर कितने दुखी हो जाते हैं ऐसे मनुष्य को भी एक कम से कम एहसास तो हो कि परमात्मा के बिना जीवन ऐसा ही एक और नमूना दिया है मेह का मतलब है बारिश पानी की बूंदे जहां ना गिरे वो रेगिस्तान कैसे पुरुष हरि राम सुन कर तेरी बीती उमर हरि राम मुक्तामणि शास्त्री जी हमारे संगीत के बड़े आदर करते हैं आप ही एक बड़े अच्छे संगीतकार हैं कभी कभी पोस्टिंग करते हैं तो हारमोनियम फेरा करते हैं मैं बड़े मगन हो जाता हूँ एक कथाकार हारमोनियम फेरे और कितने जन मानस को सुख पहुंचाए अपने वाणी के माध्यम से ये प्रेरित करते हैं हमें हमारे पूज्यवर गुरुदेव जी गाते हैं तो भूल जाते हैं आनंद में डूब जाते हैं आवाज जो निकलती है उनके रंग ऐसे संगीत जो है ना और भजन प्रभु का जो ऐसा है हमें डुबा देते और यही तो सुंदरता है प्रभु के भक्ति में डूबना फिर हम तैरे
जो डूबता है वो तर जाता है, यही है फर्क भक्ति में डूबना। और तीसरा बड़ा सुंदर उपमा है, हमने इस उपमा में बताया है, जैसे यहाँ बताई है कि बिना चंद्रमा का रात्रि, ये भजन में भी आया है, तो कितने बातें मिलते हैं हमारे गोसाई तुलसीदास जी महाराज और हमारे साधक जिन्होंने इस भजन को गाया, हमारे पद्मश्री अनूप जलोटा जी ने इनको कुछ अलग ढंग से गाया है, मैं कुछ अपना जोड़ लिया, आदत पड़ी हुई कुछ अपना बना लिया। मंदिर दीपो बिना, यहां भी बड़ा सुंदर उपमा दिया है, घर से बाहर दिया निकाल दो जलो, लेकिन वो दिया की शोभा नहीं, जब एक घर में जले दिया ना तो दिया की शोभा, वो दीप की शोभा कुछ और होती है, इसलिए मंदिर में दीप जले तो मंदिर की शोभा होती है। मंदिर दीप बिना जैसे पंडित वेद बिना तैसे पुरुष हरि ना। नानक जी का यह पद है, नानक जी हम मानव मात्र के लिए सुंदर संदेश दिया है, उन्होंने कहा है काम क्रोध मद लोभ निवारो, अरे छोड़ विरोध तू संत, संतों का विरोध छोड़ो, काम क्रोध मद लोभ अहंकार छोड़ो, कहे नानक तू सुन भगवान का, कहे नानक तू सुन भगवान का, इस जग में कोई नहीं अपना, सुन कर जितने बातें हमारे इन चौपाइयों में लिखी है उन सब बात इस भजन में आया, इसलिए मुझे एकाएक याद आ गया, तो मैंने सोचा इस भजन को भी आपके बीच में रखूं। और हम इस कथा जो बिना राम जी के और लक्ष्मण जी के बिना सारा जितना वानर भालू रीछ आदि अंगद नल नील हनुमंत आदि जामवंत सब दुखी, शिवगुरु महाराज सब दुखी, सकल कहीं विधि विधि मीन्स ब्रह्मा, ब्रह्मा की कैसी विडंबना है, सब यही कह रहे हैं, रघुपति विराह प्राण कतली, शोक ग्रसित धरी सकाई न धीरा,
से ग्रसित है, धीरज मन में आ नहीं रहा है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आफत काल पर गयोचारी आज नहीं आ रहा है, धीरज नहीं आ रहा है, पकड़ गए कह राम लक्ष्मण दो भी करुणा प्रसंग तो है, राम जी नहीं है तो जीवन बेकार तो है ही, लेकिन उनके लिए सोच लो जिनके साथ में राम जी दिन रात रहते हैं वही ना होंगे। हम लोग तो कहें बहुत पहले की बात है, मैं बहुत हंसा इस बात के लिए कि मैं अपने पिताश्री उस समय जीवित रहे तो हम गए घर, तो हमारे छोटे भ्राता कनाडा से अभी निवास करते हैं, अभी आए हुए हैं तरुण सेवक जी, और वो उन्होंने कहा मेरे आने से पहले उन्होंने कहा है पिताश्री बहुत दिन हो गए राम को देखे। तो पिताजी बोले यार तुम बड़ा धन्य भाग्य आदमी हो। उसने कहा अभी क्या बात है, बोले आपको तो बहुत दिन हो गए राम जी मिले, हमें तो कभी नहीं मिले, प्रयास कर रहे देखने के लिए राम जी, राम जी ना दिखे ना, यह व्याकुलता मन में होनी चाहिए, मतलब ये राम नहीं ऊपर वाला राम, वो राम, ये राम तो परमात्मा की परम कृपा है, परमात्मा की असीम कृपा है कि जिनके राम नाम बोलने से कितने पाप कट जाते हैं, सत्संग की महिमा का कितना बड़ा लाभ है, कोटि अपराध कटने का क्षमता है इस कथा में, साधु के सानिध्य में होकर कटे कोटि अपराध। आज बांगर वालू सब बहुत ही शोक पड़े सोच रहे हैं, एक एक जगह उन्होंने देख ली लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे प्रभु। कुछ श्री चरण गोसाई तुलसीदास जी कुछ और चौपाइयों का हम आज वर्णन करके कथा आगे बढ़ा रहे हैं, भाव से सब हमारे साथ में गाएंगे। ओ हमारी बात, मेघनाथ को मार दिया गया है, कुंभकर्ण मर गया है, बड़े बड़े योद्धा मर गए हैं, बात बन रही थी लेकिन अब क्यों बिगाड़ दिया। ओ कटक निसाचर सकल रहा विधना ने बनी बात को बिगाड़ दी, राक्षसों की सेवा तो मर चुकी है लेकिन अब ये सोना रहता राम शरण
वो हम सब परम भागे। जब तक राम जी के पारे नहीं होंगे तब तक हम लोग बड़े अभाग्य है। बच्चिस जब बिछड़ गए ऐसी व्याकुलता पवन तनय पुनि कहां सब पाई विस्मय एक हो जो चक्रव्यूह लगा रखा है हनुमान जी ने अपने पूंछ की घेरा और मुख्य द्वार भी ऐसा लगा रखा है स्वयं यहां बैठे हुए हैं तो कैसे कोई हरे इसके अंदर कोई अंदर जाए कैसे। तो युक्ति सोचते सोचते आई रावण जब थक गया तो मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम विभीषण का रूप धारण करें। वही पवन से जो बता रहे हैं एक संशय है एक विस्मय है। विभीषण अंदर आए राम जी के पास और लक्ष्मण जी के पूछत वचन कही सियती कपटन जाय चलती। अब बात पूछने से थोड़ा सा संकोच तो आता है। विभीषण वो विभीषण जो राम के पति इतना प्रेम है उनके जिनको आश्वासन स्वयं हनुमान जी दी थी सुनो भविष्य प्रभु की करम सदा से यही तो बताया था हनुमान जी का लंका में जब प्रवेश किए थे भविष्य हनुमान संभवाद में उन्होंने कहा जब भविष्य ने कहा कि राम जी मुझे विसार दिए हैं तो आश्वासन दिया नहीं प्रभु की ऐसी रीति है सदैव सेवक पर प्रीति कर। और आज एक विस्मय है कैसे पूछा जाए रघुनाथ जी के निकट जाते हुए भविष्य को देखा गया
शीश पैठा। विभीषण महाराज ने अहि रावण की सब जितने गुण है बल है उनकी माया का ज्ञात करवाया सबको, और अवश्य यही हो सकता है कि रावण के द्वारा पठाए गए हों। वो जही बल होई तहां सो जाई, ताही जीत अगर दो भाई, ताही जीत आओ मेरे दो भाई। कहे बालूपति सुनो भगवाना, तब बलता से, और श्री राम और लक्ष्मण को पुनः वापस हमारे पास से लिया। क्या करेंगे हनुमान जी? ये प्रसंग को लेकर के अगले सप्ताह इसी प्लेटफॉर्म पर रेडियो रिश्ते के साप्ताहिक कार्यक्रम में ठीक NZ और PG टाइम 7 बजे के आसपास हम लाइव हो जाते हैं। मैं विशेष धन्यवाद सभी को दे रहा हूँ जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, हमारे रेडियो के रिश्ते के MD साहब जी, और हमारे आज के और कई महीनों तक आने वाली कार्यक्रम हमारे बीच में स्पॉन्सर्ड, प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय NHL लिमिटेड, नायडू होल्डिंग्स लिमिटेड। कोई भी कंटेनर अगर शिफ्ट करानी है फिजी या न्यूजीलैंड में, बड़े से बड़े कंटेनर को शिफ्ट करते हैं अपू 36 टन, इनके पास वो व्यवस्था है, तो आप नायडू होल्डिंग्स जिनका वेबसाइट वेरी शॉर्टली हमारे रिश्ते पेज पर आपके एडवर्टीजमेंट के ऊपर विज्ञापन ग्रुप में आपके बीच में आएगी, आप संपर्क कर लीजिएगा। कमलेश नायडू हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नायडू होल्डिंग्स, आपको विशेष विशेष धन्यवाद इस प्रोग्राम को हमारे भक्तों के बीच में लाने के लिए। मैं अपने तबला पर साथी दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं नमन स्वामी को विशेष धन्यवाद, और समनेश चट्टी को भी धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में पदार्पण किए हैं मास्टर रमेश जी और भाभी सहित, और भैया उत्तम जी, भाभी सहित, अंजना जी आपको, और साथ में विशाल बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए इस कार्यक्रम को आज यहीं पर विराम करते हैं और मिलेंगे अगले सप्ताह आपके बीच में पुनः मंगलवार को 7 बजे। ठीक, ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहेशा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।